जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईबी में निकाली वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और अन्य सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की जरूरी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में और महत्वपूर्ण लिंक भी जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट डेली चाहिए तो प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली जानकारी के। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जहां पर आपको डिटेल और जानकारी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, यहां पे इंटेलिजेंसी ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे देख सकते हैं आपकी वैकेंसी ग्रुप सी बी की पोस्ट की है। यहाँ पे आपको देखते हैं जो वैकेंसी है फिलअप डेप्यूटेशन बेसिस पे, डिटेल ऑफ ईच पोस्ट अलोंग विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन आर अलेवल एन एक्सपायर ए, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं आपका बायोडाटा प्रो परफॉर्मर अप्लाइंग डेप्यूटेशन इन क्लोज एन एक्सपायर बी। तो यहाँ पे आपको देखते हैं पोस्ट का नाम दे रखा है, 70 वैकेंसी हैं, यहाँ पे आप 350 वैकेंसी हैं, यहाँ पे 50 और 100, यहाँ पे आप देखते हैं जीआईओ की यहाँ पे 20, जीआईओ की आप देखते हैं यहाँ पे सेकंड की 35, ऐसे की आप यहाँ पे देखते हैं 20, हलवाई कम कुक 9, के टैगर की 5 और यहाँ पे देख सकते हैं 7 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 766 है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम टेन्यूअर आपका डेप्यूटेशन 3 से 5 साल रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो वैकेंसी है उस पर रहेगा। फर्दर एक्सटेंड हो सकता है जो कि मैक्सिमम 7 साल फॉलोइंग विल बी एडिशनल पर्क, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है 20% बेसिक पे का, 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी बेसिक प्लस डीए, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं और यूनिफॉर्म अलाउंस है 10,000 रुपये, बाकी आपकी अन्य डिटेल दे रखी है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, बाकी आपकी जो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। स्कॉलरशिप इज अवेलेबल मेरिटस अवार्ड पर्सनल, ठीक है। द एप्लीकेशन विलिंग एलिजिबल ऑफिसर हु हैव कंप्लीटेड कूलिंग ऑफ पीरियड 3 ईयर सिंस लास्ट डेप्यूटेशन, हु हैव प्रीवियसली नॉट अंडरगोन मोर वन डेप्यूटेशन, अपना फॉर्म को भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू रीच इस दिए गए असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, आप दिए गए न्यू दिल्ली पर, ठीक है। बायोडाटा में दे सकते हैं, ड्यूली फील्ड होगा, साइंड होगा द कैंडिडेट अलॉन्ग अटेस्टेड कॉपी रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल अटेस्टेड कॉपी अपडेट बाई ACR लास्ट 5 ईयर विजिलेंस क्लियर इंटेलिजेंसी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये सब रहेगा, इट्स मेड क्लियर दैट ओनली सच एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन विच आर कम्प्लीटेड और रेस्पेक्टेड ड्यूली फॉरवर्ड थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड इंटरव्यू में इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी रिसीट रहेगी जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगी उसके लास्ट दिन से यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आती है उसके आपके न्यूज़पेपर के से लास्ट डेट रिसीट और नॉमिनेशन वुड बी 60 डे, तो जिस दिन से होगा उससे 60 दिन हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसी डिटेल आएगी न्यूज़पेपर में आपको बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 70 वैकेंसी है, जनरल आपका सेंट्रल सर्विस ग्रुप की यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 8 रहेगी, 47,000 से लेकर यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, ऑफिसर अंडर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे 2 ईयर सर्विस इन ग्रेड आप रेंडर दे सकते हैं रेगुलर बेसिस में 44 से लेकर 1,42,000, यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस वर्क में, ठीक है। यहाँ पे देख सकता है आपका डिपार्टमेंट ऑफिसर फीटर कैटेगरी, हु आर द इनडायरेक्ट लाइन प्रमोशन शैल नॉट बी एलिजिबल कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन, सिमिलरली डेप्यूटेशन शैल नॉट बी एलिजिबल कंसिडरेशन अपॉइंटमेंट बाई प्रमोशन, तो ये आपको दे रखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको देख सकते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर 2, एग्जीक्यूटिव 350 वैकेंसियाँ हैं, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, यहाँ पे आपकी सैलरी पे लेवल 7,44 से 1,42,000, यहाँ पे आप डेप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग एनालॉग पोस्ट रेगुलर बेसिस पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट या
विद 5 ईयर सर्विस इन आपका ग्रेड रेंडर आफ्टर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जैसे पे लेवल 6 35 से 1,12,000 है, ठीक है। आपका प्रोसेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेंस नेमली ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी या एक्सपेंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वर्क में डिजायर आपको कंप्यूटर की जानकारी, बाकी आप यहाँ पे नोट 1, 2, 3 दे सकते हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव 50 वैकेंसी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। पे आपका लेवल 5 29 से लेकर 92। यहाँ पे एलिजिबिलिटी डेप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर या स्टेट में आपने काम किया, होल्डिंग आप पोस्ट रेगुलर बेसिस पे, 5 ईयर आपको सर्विस ग्रेड रेंडर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे लेवल 4। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफिसर फीडर ग्रेड वो आर डायरेक्ट लाइन प्रमोशन, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 100 वैकेंसी है, पे लेवल 4, ठीक है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट या सेंटर में होल्डिंग पोस्ट होनी चाहिए रेगुलरली, लेवल आप 5 साल आपने लगातार आपने अपॉइंटमेंट के 3 आप लेवल 3 पर काम किया हो, पे मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की 100 वैकेंसी है, ठीक है, ग्रुप सी की है, पे लेवल यहाँ पे 3 है, 21 से लेकर 69। डेप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे द पीरियड आपका रहेगा इंक्लूडिंग डेप्यूटेशन एज कैडर पोस्ट इमीजिएटली प्रोसीडिंग, यहाँ पे सेम या सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल या सेल नॉट बी एग्जिट 5 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट अपॉइंटमेंट। यहाँ पे देखते हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की मोटर ट्रांसपोर्ट की 20 वैकेंसी है, जिसमें पे लेवल आप देखते हैं आपका 25 से लेकर 81, ठीक है। डेप्यूटेशन या ऑब्जर्वेशन सेंट्रल या स्टेट या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, होल्डिंग आपका जो है पोस्ट रेगुलर बेसिस पेरेंट कैडर में विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस ग्रेड रेंडर आपका अपॉइंटमेंट देयर रेगुलर बेसिस स्किल पे इक्विवेलेंट पेरेंट कैडर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस आपका वैलिड हैवी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी, ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेडर 2 मोटर ट्रांसपोर्ट 35 वैकेंसी है, यहाँ पे आप पे लेवल 4 21 से 69। सेम यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा डेप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन सेंट्रल स्टेट या आपका सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, होल्डिंग रेगुलर आपका बेसिक विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड सरेंडर, यहाँ 5 ईयर से लेकर 20 ईयर, ठीक है, 2 ईयर आपका रहेगा ग्रेड पे। एक्स आप यहाँ पे सर्विस मैन है आर्म फोर्स में पर्सनल ड्यू टू रिटायर या वो आर एबल टू ट्रांसफर रेंजर विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे आप बाकी डिटेल दे सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट 20 यहाँ पे देखते हैं आपकी वैकेंसी है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट एम्प्लॉय इंटेलिजेंस ब्यूरो, होल्डिंग आपकी जो भी एनालॉगस पोस्ट विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस पे वेंड 1, ठीक है, यहाँ पे आप 6 साल आपने रेगुलर पे काम किया हो, ग्रेड पे आपका 1800 हो। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग आपकी वॉलिंग आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, मोटर कार LMV नॉलेज मोटर मैकेनिक्स की हो, ठीक है, एक्सीडेंट ड्राइविंग मोटर एटलीस्ट 1 ईयर डिजायरेबल, यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल इशू बाई कंप्लीट कंपिटेंट अथॉरिटी पीरियड डेप्यूटेशन शैल नॉट बी ऑर्डिनरी एक्सीड 5 ईयर विच मे बी आपका कर्टेल और एक्सटेंड बाई फॉलोइंग अथॉरिटी। तो ये आपको डिटेल लिखने मिल जाए। हलवाई कम कुक 9 वैकेंसी है, आपका डेप्यूटेशन सेंट्रल या आपने ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग पोस्ट और रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट हलवाई कम कुक 3 साल का हो, पेमेंट 5 ईयर से लेकर 20 ईयर, 1900 ग्रेड पे, प्रोसेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10वीं पास हो, एक्सपीरियंस पे आपका जो प्रिफर 2 साल का गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉय अंडरटेकिंग है प्रोसेसिंग अबव क्वालिफिकेशन, पीरियड डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग डेप्यूटेशन अदर एक्स कैडर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपको अन्य जानकारी देखने को मिलेगी, 8वीं स्टैंडर्ड पास हो, एक्सपीरियंस 2 ईयर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग। यहाँ पे केयर टेकर की 5 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी की और लेवल 5 29 से 92, आपको देखते हैं यानी ग्रुप सी एम्प्लॉय आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो 5 ईयर रेगुलर सर्विस पे लेवल 4, एम्प्लॉय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी द डिपार्टमेंट ऑफ फीडर कैटेगरी ऑफ वो आर एंड डायरेक्ट या प्रमोशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 7 वैकेंसी है, पे लेवल बैंड देखते 1, 5 से 20 ईयर और ग्रेड पे 2400, यहाँ पे लीजिए डेप्यूटेशन या आपने सेंट्रल या स्टेट में काम किया हो, होल्डिंग आपका रेगुलर बेसिस पे हो, ऑफिशियल फॉर्म अनदर कैडर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैविंग पुट अप मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग फॉलोइंग एजुकेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉलोइंग फील्ड में, ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग
ठीक है। तो ये यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन गवर्नमेंट रुकना यूनिवर्सिटी से, डिजायरेबल हैंडलिंग मेंटेनेंस HF VHF, ठीक है, हार्डवेयर मेंटेनेंस, आपकी बेसिक्स का आपका नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म देखने को मिल जाएगा, बायोडाटा, नेम और एड्रेस, ठीक है, ब्लॉक लेटर, कैपिटल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, आपने सर्विस कब से की थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आपने किया है सेंट्रल स्टेट में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वेदर एजुकेशन आर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द पोस्ट सेटिस्फाई, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिजायरमेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आप करना है। नोट यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है प्लीज स्टेट क्लियर वेदर यू लाइट एंट्री बाय यू अबव यू मीट रिक्वेस्टेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये यहाँ पे आप दे सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक। बाकी आप यहाँ पे दे सकते हैं और बाकी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा ऑफिस इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे आपने काम किया है सिग्नेचर, यहाँ पे आपका इंक्लोज सेपरेट सीट ड्यूली ऑथेंटिक बाय योर सिग्नेचर इफ द स्पेस बिलो इनसफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए इंस्टीट्यूट का नाम, आपका पोस्ट रेगुलर प्रोसेस फॉर्म कब से लेकर टू पे एंड ग्रेड, आपका नेचर ऑफ ड्यूटी, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपकी अन्य जानकारी आ रही है, ठीक है, इसकी देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एडॉक टेम्पररी क्वेसी परमानेंट जो भी है, इन केस प्रेजेंट एम्प्लॉय हेल्थ डेपुटेशन कॉन्टैक्ट बेसिस प्लीज बताना है स्टेट, द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट डेपुटेशन कॉन्टैक्ट नेम ऑफ द प्रेजेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन विच यू बिलोंग टू नेम पोस्ट एंड आपका जो पे है उसके बारे में, बाकी आप नोट पढ़ सकते हैं, नोट जरूर पढ़िएगा। इफ एनी पोस्ट डेपुटेशन और हेल्ड है या एप्लीकेशन लास्ट डेपुटेशन वो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डिटेल योर प्रेजेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको सेंट्रल है स्टेट है या किसका है वर्किंग अंडर या बताना है, प्लीज स्टेट विद वेदर यू वर्किंग द सेम डिपार्टमेंट या फीडर ग्रेड पे फीडर या फीडर ग्रेड, आर यू इन रिवाइज साइकिल ऑफ पे, इफ यस गिव डिटेल, टोटल एमोन्यूमेंट पर मंथ ड्रॉ बेसिक पे ग्रेड पे टोटल एमोन्यूमेंट, यहाँ पे इन केस एप्लीकेशन बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्किल, बेसिक पे स्किल पे यहाँ पे देख सकते हैं डियरनेस पे और इंटरनिंग रिलीफ अदर अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल एमोन्यूमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और अचीवमेंट है वो यहाँ पे बता सकते हैं, बाकी आपकी अन्य जानकारी एस टी एस टी है तो यहाँ बताएं, डिक्लेरेशन आ रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एड्रेस डेट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड जो वैकेंसी है किस तरीके से अप्लाई करनी है उसके बारे में जानकारी दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए किस तरीके से जाना है, सिंपल सा देखिए नोटिफिकेशन में आ रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन में वैकेंसी पे जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो वैकेंसी, यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं देखिए इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी, आपकी वैकेंसी निकली, आपका इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, आई होप ये जानकारी वीडियो अच्छे लगा और डेली ऐसी गवर्नमेंट जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट प्राप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।